तो हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है RDX एडिटर चैनल पे। तो चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का प्रेस दबाना ना भूलिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज हम कुछ इस टाइप का फ़ोटो एडिटिंग सीखेंगे, हेयर ऑयल पेंट, फेस ऑयल पेंट और आँखों में लेंस लगाना, बिफोर एंड आफ्टर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने पिक को स्नैपशीट के अंदर शेयर कर लेते हैं। शेयर करने के बाद यहाँ पेंसिल पे जाइएगा, पेंसिल पे जाने के बाद डिटेल्स पे जाइएगा। डिटेल्स पे जाने के बाद स्ट्रक्चर को 60 कर देंगे। 60 करने के बाद यहाँ से शार्पनिंग को उठाइएगा, शार्पनिंग को भी 60 कर देंगे अपने फ़ोटो के हिसाब से। फ्रेंड 60 करने के बाद यहाँ से डन कर दीजिएगा। डन करने के बाद पेंसिल पे जाइएगा, पेंसिल पे जाने के बाद ट्यून इमेज को क्लिक कीजिएगा। ट्यून इमेज क्लिक करने के बाद एम्बिनियंस को भी 60 कर दीजिएगा। 60 करने के बाद फ्रेंड यहाँ से हाईलाइट को पूरा कम कर देंगे। हाईलाइट पे जाने के बाद शेडो पे जाइएगा, शेडो को पूरा फुल कर दीजिएगा और यहाँ से डन कर दीजिएगा। डन करने के बाद पेंसिल पे जाइएगा, पेंसिल पे जाने के बाद टोटल कंट्रास्ट को लीजिएगा, मीडियम ट्यून को पूरा जीरो कर दीजिएगा, हाई टोन्स को भी जीरो कर दीजिएगा, लो ट्यून को पूरा फुल कर दीजिएगा, प्रोटेक्ट हाई शेडो को भी पूरा फुल कर दीजिएगा, प्रोटेक्ट हाईलाइट को भी पूरा फुल कर दीजिएगा ताकि आपके हेयर पे देखिए बिफोर एंड आफ्टर हेयर पे शाइनिंग आए। फिर पेंसिल वाले क्लिक पे जाइएगा, क्लिक करने बाद हीलिंग को लीजिएगा और आपके फेस पे जो भी दाने हो, काला धब्बा हो, यहाँ से ऐसे ऐसे करेंगे ना फ्रेंड, यहाँ से सारा दाना हो, काला धब्बा, जो भी हो, दाग हो, यहाँ से हट जाएगा। यहाँ से डन कर दीजिएगा। डन करने बाद देखिए बिफोर एंड आफ्टर, पूरा वीडियो देखिएगा फ्रेंड, तभी समझ में आएगा कि हेयर को कैसे ऑयल पेंट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो फास्ट ना हो शेयर कर लेते हैं अपने लाइटरूम ऐप के अंदर। तो फ्रेंड हम लोग आ चुके हैं अपने लाइटरूम ऐप के अंदर, पूरा वीडियो देखिएगा फ्रेंड, तभी हेयर पे ऑयल पेंट की शाइनिंग आएगी। तो यहाँ से चलते हैं, लाइट पे क्लिक कीजिएगा। लाइट पे क्लिक करने के बाद ब्लैक को 60 कर दीजिएगा। ब्लैक को 60 करने के बाद फ्रेंड वाइट को 60 कर दीजिएगा, वाइट को भी 60 कर दीजिएगा फोटो के हिसाब से फ्रेंड, और शेडो को पूरा फुल कर दीजिएगा ताकि फेस पे और हेयर पे लाइट आ जाए, और हाईलाइट को पूरा जीरो कर दीजिएगा फ्रेंड। जीरो करने के बाद यहाँ कलर्स पे जाइएगा, कलर पे जाने के बाद मिक्स पे क्लिक कीजिएगा। मिक्स पे क्लिक करने के बाद ग्रीन को, कलर को +60 +40 कर दीजिएगा फ्रेंड फोटो के हिसाब से। 40 करने के बाद फ्रेंड यहाँ से ह्यू को भी +10 कर दीजिएगा, +10 कर दीजिएगा फ्रेंड। 10 करने के बाद यहाँ से डन कर दीजिएगा। फिर से मिक्स पे जाइएगा, मिक्स पे जाने के बाद येल्लो पे क्लिक कीजिएगा। येल्लो क्लिक करने के बाद सेचुरेशन को 40 कर दीजिएगा फ्रेंड, -40, और ह्यू को 10 कर दीजिएगा फ्रेंड ताकि आपके फेस पे लाइट आ जाए और हेयर को ऑयल पेंट बनाए फ्रेंड। पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा फ्रेंड, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ मिक्स पे जाइएगा, मिक्स पे जाने सेचुरेशन को 0 कर दीजिएगा, और इस कलर पे जाइएगा, इसका भी सेचुरेशन 0 कर दीजिएगा, और इस कलर पे जाइएगा, इसका भी सेचुरेशन 0 कर दीजिएगा, और इस वाले कलर पे जाने के बाद फ्रेंड सेचुरेशन को पूरा प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद यहाँ ये कलर है ना जो, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद अगर फेस पे अगर वाइट लाना है तो इसको, वाइट को लाना है तो इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, मैक्सिमम 45 कर दीजिएगा फ्रेंड। फेस वाइट हो रहा है ना फ्रेंड, और सेचुरेशन को मैक्सिमम 10 कर दीजिएगा, -10, और इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद ल्यूमिनस को 10 कर दीजिएगा फ्रेंड। 10 करने के बाद डन कर दीजिएगा। डन करने के बाद फ्रेंड क्लियरिटी जाइएगा, क्लियरिटी को 20+ बढ़ा दीजिएगा फ्रेंड, और टेक्सचर को भी 10 बढ़ा दीजिएगा, और डिजीज को भी 10 बढ़ा दीजिएगा फ्रेंड ताकि फ़ोटो में एक लुक आ जाए, और विग्नेट को भी 10 बढ़ा दीजिएगा फ्रेंड। पूरा वीडियो देखिएगा फ्रेंड, स्किप करेंगे तो हेयर ऑयल पेंट नहीं सीख पाएंगे। नॉइज रिडक्शन को पूरा फुल कर दीजिएगा फ्रेंड, डिटेल्स को भी पूरा फुल कर दीजिएगा ताकि हेयर पे लाइट आ जाए। कलर नॉइज रिडक्शन को पूरा फुल कर दीजिएगा, डिटेल्स को भी फुल कर दीजिएगा फ्रेंड, और स्मूथनेस को भी पूरा फुल कर दीजिएगा ताकि फ़ोटो आपका फटे नहीं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, और यहाँ से फिर से फ्रेंड
हम लोग को अगर होट पे लाली लगाना है तो यहाँ सेलेक्टिव पे जाइएगा। सेलेक्टिव पे जाने के बाद इसको जूम कीजिएगा। जूम करने बाद प्लस के आइकन पे जाइएगा। प्लस के आइकन में जाने के बाद छोटा सा ब्रश है ना फ्रेंड, इसको क्लिक कीजिएगा और एक विंडो सा है ना उसको क्लिक कीजिएगा। यहाँ से अपने होठों पे ऐसे ऐसे कर लीजिएगा फ्रेंड। होठों पे करने के बाद यहाँ से कलर्स है ना फ्रेंड, कलर पे जाइएगा। कलर पे जाने के बाद इधर माइनस करेंगे ना तो देखिए होठ लाल हो रहा है ना। जो आपका जो इच्छा करे उसको लगा सकते हैं। होठ लाल हो गया ना फ्रेंड, यहाँ से डन कर लीजिएगा। डन करने के बाद देखिए बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। तो चलिए फ्रेंड वीडियो फास्ट ना हो, अपने पिक को शेयर कर देते हैं ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर। तो फ्रेंड हम लोग आ चुके हैं अपने ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर। तो यहाँ चलिए ब्रश को सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्रश को सेलेक्ट करने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 नंबर का ब्रश सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से दूसरा नंबर को यूज करिएगा। सेटिंग देख लीजिए, फॉलो वन है मेरा, स्ट्रेंथ भी वन है और साइज़ के हिसाब से आपका मन जितना साइज बढ़ाना हो फोटो के हिसाब से। चलिए फोटो को जूम कर लेते हैं। जूम करने वाले जो ब्लैक है ना फ्रेंड, इसको जूम कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा। देखिए एक ही में मिक्स हो जाएगा फ्रेंड, एक ही में मिक्स हो जाएगा फ्रेंड। ऐसे जूम करके एकदम हाथ को हल्का करके फ्रेंड, हाथ को हल्का करके चलाएंगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा हम ब्रश यूज़ कर रहे हैं और फोटो भी आपका स्मूथ हो जाएगा। ऐसे ऐसे कीजिएगा फ्रेंड, एकदम जूम करके फोटो को अच्छे से स्मूथ कीजिएगा, तभी आपका फ़ोटो में लुक अच्छा, क्लियरिटी भी अच्छा आएगा। यहाँ जूम करके ऐसे ऐसे कीजिएगा। देखिए फ्रेंड अगर बाहर जाता है तो यहाँ साइज कम कर लीजिएगा। कम करने में ऐसे देखिए एकदम अच्छे से आसान तरीका है फ्रेंड फेस को स्मूथ करने का, हो रहा है ना स्मूथ फ्रेंड। तो यहाँ से फिर से चलते हैं, हम अपने साइज़ को बढ़ा लेते हैं। साइज़ को बढ़ाने के बाद यहाँ से स्मूथ करेंगे फ्रेंड, एकदम अच्छे से हल्का हाथ करके फ्रेंड चलाएंगे ना तो आप अच्छे से सीख जाएंगे फेस को स्मूथ करना। यहाँ से देखिए फ्रेंड ऐसे एकदम अच्छा से फ्रेंड एकदम हल्का हाथ करके चलाइएगा। और वीडियो की स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड, नहीं तो वीडियो समझ में नहीं आएगा। और देखिए फ्रेंड जो ब्लैक ब्लैक है ना दाग धब्बा, उसको जूम करके फ़ोटो को एकदम अच्छे से आसान तरीका से चलेगा। देखिए एक ही मिक्स हो रहा है ना फ्रेंड, तो जो भी दाना वाना रहता है तो आपके फ़ोटो में पता नहीं चलेगा, एकदम एक ही में मिक्स हो जाएगा फ्रेंड। जो फेस वाइट होता है ना एकदम फेस वाइट हो जाएगा फ्रेंड। देखिए एकदम जूम करके एकदम अच्छे तरीके से आसान से चलाइएगा। देखिए फ्रेंड हो रहा है ना स्मूथ हो रहा है ना फ्रेंड। देखिए चलिए फ्रेंड वीडियो फास्ट ना हो, वीडियो को हम फास्ट करते हैं। तो फ्रेंड हम लोग का पिक स्मूथ हो चुका है ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर। देखिए फ्रेंड कितना फोटो अच्छा दिख रहा है, फुल एचडी दिख रहा है। तो चलिए फ्रेंड इसको हम सेव कर लेते हैं। तो फ्रेंड हम लोग ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर से अपने फेस को स्मूथ कर चुके हैं। देखिए फ्रेंड कितना अच्छा दिख रहा है। तो फ्रेंड पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, पूरा फुल देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि हेयर को कैसे ऑल पेंट मारते हैं। तो चलिए फ्रेंड शेयर कर लेते हैं अपने पिक को टूलविज के अंदर। टूलविज के अंदर शेयर करने के बाद फ्रेंड यहाँ से इफेक्ट पे जाइएगा। इफेक्ट पे जाने के बाद सॉफ्ट स्मूथ लिखा है फ्रेंड, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए फ्रेंड बहुत सारा है, यहाँ 10 तक है फ्रेंड। तो यहाँ से हमको 5 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से मार्ज पे जाइएगा। मार्ज पे जाने के बाद यहाँ से क्लियर पे जाइएगा फ्रेंड। देखिए पूरा लग गया है ना हेयर पे, बैकग्राउंड पे, फेस पे। तो यहाँ से क्लियर पे जाइएगा, ऑटोमेटिक फेस पर से हट जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ से अप्लाई पे क्लिक कर जाइएगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ से फोटो को जूम कीजिएगा। जूम करने के बाद फ्रेंड एकदम अच्छे से एकदम हल्का हाथ करके फ्रेंड चलाएंगे ना तो अच्छे से आपका हेयर ऑयल पेंट होगा फ्रेंड। तो यहाँ से ऐसे जूम करके एकदम बैकग्राउंड पे नहीं लगने देना है फ्रेंड। तो यहाँ से जूम करके एकदम अच्छे से आसान तरीका है फ्रेंड हेयर ऑयल पेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ से एकदम पूरा हेयर को कर देना है ऑयल पेंट फ्रेंड। यहाँ से हम लोग डन कर लेते हैं। डन करने के बाद फ्रेंड हम लोग देखिए हेयर ऑयल पेंट हो चुका है ना फ्रेंड। तो चले फ्रेंड पिकशॉट के अंदर हम शेयर कर लेते हैं, आप बताएंगे कि आइज लेंस एवरो पे कट कैसे लगाते हैं फ्रेंड। चलिए फोटो को सेव कर लेते हैं। तो फ्रेंड हम लोग आ चुके हैं अपने पिकशॉट ऐप के अंदर। तो चलिए फ्रेंड बताते हैं आंखों में लेंस कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे ब्यूटी पे जाइएगा। ब्यूटी पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है, हेयर कलर, डिटेल्स, आइज कलर। तो हम लोग को आंखों में आई लेंस लगाना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने में ऑटोमेटिक ये लेंस को ले लेगा फ्रेंड। यहाँ पे बहुत सारा आई लेंस है जो आपको अच्छा लगे, हमको तो यही लगता है दूसरे नंबर पे।
तो इसको बढ़ाएंगे ना फ्रेंड, तो देखिए कम या ज़्यादा, तो हम लोग को मैक्सिमम 50 रहने देना है फ्रेंड। तो जूम करके एकदम अच्छे से बैठा लेते हैं अपने आइज़ को। तो जूम करने के बाद फ्रेंड जो एकदम बैठ गया है हम लोग को, जो बाहर है ना फ्रेंड, बाहर है ना, तो यहाँ पे इरेजर पे क्लिक कीजिएगा, फोटो को जूम कीजिएगा। जूम करने के बाद फ्रेंड एकदम बाहर चलाना है फ्रेंड, आइज़ पे नहीं लगने देना फ्रेंड। देखिए फ्रेंड एक तो बैठ गया आँख हमारा, और इस पर क्लिक करना है, बाहर है ना फ्रेंड, तो इसको भी ऐसे इरेज करने पर देखिए फ्रेंड हो रहा है ना इरेज, अच्छे से हम लोग को बैठा लेना है। बैठाने के बाद फ्रेंड इसको डन कर दीजिएगा। डन करने के बाद फ्रेंड इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम बताएंगे कि एब्रो पे कट कैसे मारते हैं फ्रेंड। तो यहाँ टूल्स पे जाइएगा, टूल्स पे जाने के बाद क्लोन का ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद फोटो को अपने जूम कीजिएगा। जूम करने के बाद ये है ना फ्रेंड जो ऐसे है ना गोल पे, तो इसको क्लिक कीजिएगा। यहाँ जो गाल पे वाइट है ना, जहाँ भी वाइट रहे फ्रेंड उसको रख दीजिएगा। रखने के बाद फ्रेंड जूम कीजिएगा इसको यहाँ अच्छे से एक बार या दो बार, जितना आप स्क्रेच मोटा या पतला चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसको इरेज करना तो यहाँ बगल में इरेजर है, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड इसको अच्छे से इरेज कर दीजिएगा, एकदम अच्छे से, पता नहीं चले कि मतलब फेक हम लोग का कट है। हो गया ना फ्रेंड, आइज में लग गया, एब्रो पे कट हो गया। तो इसको हम फोटो को डन कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड तो आगे बताते हैं। तो फ्रेंड हम लोग अपने पिक को पूरा फुल HD एडिट कर चुके हैं। हम आपको बता दिए हैं कि आँखों में लेंस कैसे लगाया जाता है, एब्रो पे कट का निशान कैसे मारा जाता है, फेस को वाइट कैसे किया जाता है, फेस स्मूथ कैसे किया जाता है, हेयर को कैसे ऑल पेंट मारा जाता है फ्रेंड। तो आशा करता हूँ फ्रेंड वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड, और बेल आइकन का प्रेस दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं एडिटिंग रिलेटेड से वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक पहुँचे फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर वीडियो वॉचिंग कर लेकर फ्रेंड। थैंक यू सो मच फ्रेंड।